नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, इस बेहतर तैयारी की जांच के लिए और आपके अंदर आत्मविश्वास को और भी दृढ़ बनाए रखने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं फास्ट ट्रैक रिविजन 3.0, जिसका टारगेट होने वाला है CGPSC प्री 2020-21। आज से लेकर लगातार 30 दिनों तक हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पार्ट से 50% वेटेज है ना, इसका ध्यान रखिएगा, इस पार्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, पिछले वर्षों ऐसे कौन से सवाल पूछे गए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को एक सार रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल की। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, प्रतीक चिन्ह और स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि सही उत्तर को चुनिए। तो वन बाई वन करके हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कथन, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से पृथक होकर देश का 26वां राज्य बना। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं कि ये मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना और देश का 26वां राज्य बना। तो देखिए, ये है अविभाजित मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उस समय मध्य प्रदेश का मैप इस प्रकार से दिखता था। उसके बाद 44 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश का 30.47 एरिया विभाजित होकर छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। तो ध्यान में रखिएगा कि ये राज्य गठन के दृष्टिकोण से भारत का 26वां राज्य है। ठीक, तो यहाँ से कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ बना, कितने प्रतिशत एरिया से विभाजित हुआ, तो लगभग मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा विभाजित होकर छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जो कि भारत का 26वां राज्य है। ठीक, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। तो दूसरा स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.11% है। तो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 1.35 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन हम जब भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम इसे ऐसे ध्यान में नहीं रखेंगे। हम इसे कैसे याद करेंगे? 135192 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बार बार आपको बोलना पड़ेगा 135192 135192, आपको याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है। ठीक, तो ये लगभग कितना प्रतिशत है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 4.11% है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब में ये आंकड़ा 4.14% भी दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है। क्या बोलना चाह रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की स्थिति। ये देखिए, ये सभी लाइनें अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं और ये सभी लाइनें देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है,
और भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइम मेरिडियन के ये किस तरफ है, पूर्व के साइड है, ठीक। और इस इक्वेटर के ये किस साइड है, तो उत्तर के साइड है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। इक्वेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हम वापस आते हैं सवाल पर। क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार अधिक है। तो देखिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि नीचे 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ऊपर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मतलब कि कहां से कहां तक है उत्तरी अक्षांश का विस्तार, देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री, ये जो कॉर्नर है ना बीजापुर का, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर ये जशपुर का कॉर्नर, ये 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। कहां से कहां तक, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट, ये क्या है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है और ये पूर्वी देशांतर है। हमने अभी ग्लोब पर स्थिति देखा था ना कि प्राइम मेरिडियन के जो देशांतर रेखा है वो पूर्व की ओर था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा गया है। और जो भूमध्य रेखा है ना, उसके उत्तरी ओर भारत की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी अक्षांश दिया गया है। तो ये है छत्तीसगढ़ की स्थिति। अब सवाल में क्या कहा गया है कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो देशांतरीय विस्तार से अधिक है। तो देखिए ये है, इसे कहा जा रहा है विस्तार, अक्षांशीय विस्तार लगभग 700 किलोमीटर है, जबकि देशांतरीय विस्तार लगभग 435 किलोमीटर है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज्यादा है और जो देशांतरीय विस्तार है वो कम है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट पे। तो चौथा स्टेटमेंट का क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मानचित्र, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, क्या ये मानचित्र दरियाई घोड़े जैसा दिख रहा है, तो नहीं। एक और इमेज देखते हैं हम, क्या है ये है समुद्री घोड़ा। ये एक प्रकार की मछली की प्रजाति है जो कि समुद्र में पाई जाती है। इसका सर घोड़े के समान है और इसका पूंछ सांप के समान है। क्योंकि इसका सर घोड़े के समान है इसलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मैप भी। छत्तीसगढ़ के मानचित्र के आकृति की बात करें तो उसकी आकृति दरियाई घोड़े की जैसी नहीं है बल्कि समुद्री घोड़े के जैसी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1, 2, 3 सही है। तो इस प्रकार से सवाल CGPSC में पूछे जा सकते हैं। जो सामान्य परिचय के सवाल होते हैं ना, वो जनरली स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा वहां पर कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, क्या है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हर एक कथन से भी अलग अलग सवाल बन सकते हैं और ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि एक ही सवाल से बहुत सारे सवालों को आप हल कर सकें। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि। यहाँ पर 3 कारण दिए गए हैं क्यों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो पहला कारण है, भारत में सर्वाधिक धान की खेती छत्तीसगढ़ में होती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सीमा
पठारों से घिरी हुई है तथा बीच में मैदान है और तीसरा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की खेती होती है। तो पहले और तीसरे कथन में अंतर क्या है कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक धान की खेती छत्तीसगढ़ में होती है, मतलब कि भारत में सभी राज्यों में अगर हम देखें तो सब पहला स्थान है धान की खेती में छत्तीसगढ़ का। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की खेती होती है, इसका मतलब ये कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत यहाँ पर जितनी भी खेती होती है उसमें सर्वाधिक खेती धान की होती है। तो इस सवाल का हल हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप, छत्तीसगढ़ की सीमाएं चारों तरफ से पठारों से घिरी हुई है। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके उत्तर में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, मतलब बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। यहां पर छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। और थोड़ा हम नीचे आते हैं तो उत्तरी गरियाबंद और ये महासमुंद का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर शिशुपाल की पहाड़ी है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर केशकाल है। उसके और नीचे आते हैं तो ये है बस्तर का पठारी भाग, बस्तर का पठार। इधर है अबूझमाड़, ये पूरा एरिया मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर है ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पठारों से घिरी हुई है और ये जो मैदानी हिस्सा है ये है महानदी बेसिन, जो कि मैदानी हिस्सा है। यहाँ पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें सर्वाधिक धान की खेती होती है। ठीक, तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों ओर से पठारों से घिरा हुआ है और इसके बीच का जो हिस्सा है वो मैदानी हिस्सा है जिसमें सर्वाधिक धान की खेती होती है। तो ये बिल्कुल कटोरे के आकृति का है। ठीक है, ऊपर का ये जो कॉर्नर का हिस्सा ये उठा हुआ है और बीच का मैदानी हिस्सा जो है वो धंसा हुआ है जहां पर धान की खेती होती है। तो धान का कटोरा क्यों? क्योंकि उस कटोरे में क्या रखा गया है? धान रखा गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पठारों से घिरी हुई है और बीच में मैदान है। तीसरा भी सही है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान की खेती होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक धान की खेती छत्तीसगढ़ में नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। जब भी आप किसी प्रश्न को सॉल्व करें तो आप उसके ऑप्शन को भी पढ़िएगा और सभी ऑप्शन की जांच कीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला, जिले की बात की जा रही है, ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा को नहीं छूता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के चार जिलों के नाम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को नहीं छूता है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए और ये मार कर लेना चाहिए कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। कभी कभी हम इस नहीं को ही भूल जाते हैं और हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है, तो नहीं को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन से सुकमा, राजनांदगांव, नारायणपुर और कांकेर। तो पहले हम स्थिति देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं किन राज्य की सीमाओं को छूती है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि ये देखिए, महाराष्ट्र की बात की जा रही थी ना, तो ये है महाराष्ट्र का हिस्सा। महाराष्ट्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चार जिले यहां पर देख रहे हैं आप, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, छत्तीसगढ़ के चार जिले महाराष्ट्र राज्य की सीमा को छूते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये चार जिले कौन कौन से हैं, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, राजनांदगांव, नारायणपुर, कांकेर तो दिया गया है लेकिन सुकमा भी दिया गया है, जबकि सुकमा जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सुकमा। लेकिन हम आगे और भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की
सीमाओं को कौन कौन से राज्य की सीमा छूती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर में है उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से की बात करें तो उत्तर पूर्वी हिस्से को जशपुर तक, बलरामपुर से लेकर जशपुर तक झारखंड राज्य की सीमा छूती है, ठीक है। उसके बाद जशपुर से लेकर जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये जो 8 जिले की सीमा है ना, ये उड़ीसा राज्य की सीमा को छूती है। ध्यान में रखिएगा कि कितने जिलों की सीमाएं हमारे पड़ोसी राज्य की सीमा को छूती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने सिर्फ महाराष्ट्र से संबंधित सवाल को डील किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ीसा से संबंधित ये सवाल पूछ नहीं सकता है, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा केवल और केवल बलरामपुर जिले की सीमा को छूती है। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य की सीमा बलरामपुर और जशपुर जिले की सीमा को छूती है। नीचे उड़ीसा में हमने देखा कि 8 जिलों की सीमा उड़ीसा राज्य की सीमा को छूती है। अब हम नीचे आ जाते हैं, देखिए ये है छत्तीसगढ़ का आधार जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को छू रहा है, ठीक है। थोड़ा और हम इधर आते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पे, तो यहाँ पर सुकमा और बीजापुर ये दोनों जिलों की सीमा तेलंगाना राज्य की सीमा को छूती है। तो वहीं पर हमने महाराष्ट्र का देखा। और थोड़ा और ऊपर आते हैं हम छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे, तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 7 जिले की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि गौरेला पिंडरा मरवाही के गठन के बाद भी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिले की सीमा ही छूती है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से राज्य की सीमाओं को छूती है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ जिले की सीमा जिन राज्यों से मिलती है सुमेलित कीजिए। जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों की सीमा कौन कौन से राज्य की सीमाओं को छूती है, हमारा अगला सवाल भी उसी पर आधारित है। तो देखिए, एक तरफ जिले का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है, और हमें मैच करना है कि कौन से जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है। जशपुर, हमने देखा था ना कि जशपुर जिले की सीमा कौन कौन से राज्य की सीमा को छूती है, तो उड़ीसा को भी छूती है वो, और झारखंड को भी छूती है, ठीक है। हम रुक जाते हैं यहाँ पर, हम और आगे पढ़ते हैं। बिलासपुर कौन से राज्य की सीमा को छूती है, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, तो ई का क्या हो जाएगा, 3। हम पहले यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सुकमा कौन से राज्य की सीमा को छूती है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में जो दिख रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि ये आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को छूती है, तो द का क्या हो जाएगा, 2। कांकेर अभी हमने पीछे ही देखा कि कांकेर जो है महाराष्ट्र राज्य की सीमा को छूती है, तो बचा बलरामपुर और जशपुर, और यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड दिया गया है, तो बलरामपुर जो है वो झारखंड राज्य की सीमा को छूती है और जशपुर जो है वो उड़ीसा राज्य की सीमा को छूती है। तो अ का मैच 4 है, ब का 5 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अ का मैच 4 यहाँ पर है और ब का 5 केवल यहाँ पर है। तो अब हमने देखा कि 2 मैच तो हो गए हैं, तो क्या हम अब करेक्ट आंसर लगा दें, तो नहीं, अभी हम रुकेंगे, हम सभी का मैच करने वाले हैं। तो सा का मैच क्या है, सा का मैच है 1, द का मैच 2 और ई का मैच 3। तो हाँ, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यहाँ पर 4 रेखाओं के नाम दिए गए हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से CGPSC में और CG व्यापम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, ये है ग्लोब, इस ग्लोब में अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो यहाँ पर है भारत, और भारत के अंतर्गत यहाँ पर है छत्तीसगढ़,
ठीक, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। इनकी स्थिति कैसी है? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की स्थिति है कर्क रेखा की और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की स्थिति है मकर रेखा की। ठीक, तो देखिए यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तो नहीं गुजरती भारत से, और अगर ये भारत से नहीं गुजरती है तो फिर वो छत्तीसगढ़ से कैसे गुजर सकती है? तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो कर्क रेखा है ये छत्तीसगढ़ से गुजर सकती है। कैसे गुजर सकती है हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप एक बात और समझने का प्रयास कीजिएगा कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक रेखा की स्थिति जो कि छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप और यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की स्थिति में ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है, तो वहीं पर भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति में सूरजपुर, थोड़ा सा ही टच करती है सूरजपुर को, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बल, महासमुंद और गरियाबंद, इन 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से भारतीय मानक रेखा होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की स्थिति में। ठीक, तो ये दोनों स्थिति आप ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों का कटान बिंदु कौन से जिले के अंतर्गत है? कोरिया जिले के अंतर्गत है, चिप्स के आंकड़ों के अनुसार, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर हम पूर्व वर्षों का सवाल उठाकर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि CGPSC ने इसका आंसर सूरजपुर लिया था। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि चिप्स के आंकड़ों के अनुसार कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा का कटान बिंदु कहाँ है? तो कोरिया जिले में है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं ना भारत से गुजरती है और ना ही छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कौन कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ से जाती है? कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 और 3। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ का रंग क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए लाल, बी काला, सी हरा और डी भूरा। तो राज्य के प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ के रंग के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम राज्य का प्रतीक चिन्ह ही देख लेते हैं। तो ये है राज्य का प्रतीक चिन्ह। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या है इस राज्य के प्रतीक चिन्ह में। तो जो सबसे बाहरी परिधि है इसमें छत्तीसगढ़ नजर आ रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? तो राज्य की समृद्धि, प्राकृतिक सुंदरता और वन संपदा को शो कर रहे हैं। वन संपदा को क्यों? क्योंकि ये हरे रंग के हैं। ठीक, हम थोड़ा और अंदर आते हैं। तो ये है धान की बालियां। जैसा कि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खेती किसकी होती है? धान की होती है। तो यहाँ पर धान की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ये धान की बालियां सुनहरे रंग की है। हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह। ये ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह वैसे तो काला दिख रहा है, लेकिन बाकी किताबों में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर संस्थागत किताबों ने इसका रंग नीला लिया है, लेकिन ये दिखने में तो काला ही दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये है 3 लहराती रेखाएं। ठीक है, ये यहाँ के जल संसाधन को शो कर रही है। और उसके बीच में हम देखते हैं तो ये है सारनाथ स्तंभ। अब हमारा सवाल क्या था? ये जो सारनाथ स्तंभ है इसका कलर क्या है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसका कलर जो है लाल रंग का है, और जो नीचे सत्यमेव जयते लिखा है वो काले रंग का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम ही दिख रहा है ना।
तो ये क्या शो कर रहा है? छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में इसको रखने का तात्पर्य ये है कि ये राष्ट्र के साथ सत्य निष्ठा को शो कर रहा है। सत्य में उजयते का मतलब सत्य की विजय हो, ठीक है। ये अशोक का स्तंभ है जो कि अशोक के धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पर लिया गया है ये राष्ट्र के साथ सत्य निष्ठा को शो करता है, ध्यान में रखिएगा। ये लाल रंग का, ये काले रंग का है। देखिए CGPSC में अभी तक इस टॉपिक से सवाल तो नहीं पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए राज्य के प्रतीक चिन्ह से संबंधित, तो इसलिए आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको राजकीय प्रतीक भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, ये है पहाड़ी मैना, ठीक। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। आगे हम और देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा या फिर वन भैंसा है, और छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक वाक्य गढ़बोनावा छत्तीसगढ़ है। देखिए अभी जितने भी सरकारी काम काज चल रहे हैं, जो भी कोई फंक्शन हो रहा है या दफ्तरों की बात करें तो सभी जगह गढ़बोनावा छत्तीसगढ़ वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ का कलर क्या है? लाल है। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा। और छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य गढ़बोनावा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राजकीय गीत में छत्तीसगढ़ के मुकुट की संज्ञा किस जिले को दी गई है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए सरगुजा, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और डी बलरामपुर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार तो पूछा ही जा सकता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2019 के तीसरे दिन मतलब कि 3 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राजकीय गीत में छत्तीसगढ़ के मुकुट की संज्ञा किसे दी गई है? तो एक कॉमन सेंस, पहले तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि मुकुट कहाँ लगाते हैं, तो सर पे लगाते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला होगा जिसे मुकुट की संज्ञा दी जा सकती है? तो जो उत्तर में स्थित जिले हैं वही हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको इससे संबंधित कुछ नहीं पता है तो ये दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। कौन कौन से? रायगढ़ और बिलासपुर। ये रायगढ़ और बिलासपुर के ऑप्शन तो यहीं पर ही कट जाएंगे। तो बच क्या गया? सरगुजा और बलरामपुर। लेकिन कंफ्यूजिंग तो है। तो आइए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, एक बार हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की यहाँ से निकालते हैं जो कि CGPSC प्री में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि तीन नदियों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गीत, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं इस बार CGPSC प्री में। अरपा पैरी और महानदी, इन तीनों नदियों के बारे में उल्लेख किया गया है इस गीत में। उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसमें इंद्रावती के बारे में उल्लेख किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के पैर को छू रही है, ठीक। फिर उसके बाद और हम नीचे आते आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ को बिंदिया कहा जा रहा है, ठीक। और हम नीचे आते हैं तो सोनहा धाने के अंग लुगरा हरिहर है रंग, मतलब कि धान की बाली को लुगरा कहा जा रहा है, ठीक है। लुगरा हरिहर, हरे रंग की लुगरा किसे कहा जा रहा है? तो धान की बाल, वो जो खेती हो रही है, ठीक है, उसको कहा जा रहा है। और हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अगला रायगढ़ हावे सुघर तोर मऊरे मुकुट, यहाँ पर रायगढ़ को मुकुट कहा जा रहा है। ये जो जिले हैं इनके नाम ध्यान में रखिएगा, रायगढ़ को मुकुट कहा जा रहा है, सरगुजा और बिलासपुर को बांह कहा जा रहा है, ठीक।
ध्यान में रखिएगा कि रायगढ़ यहाँ पर है, इसे मुकुट कहा जा रहा है और सरगुजा और बिलासपुर को बांह कहा जा रहा है। और नीचे आते हैं, रायपुर को कमर कहा जा रहा है, रायपुर को कमर कहा जा रहा है। थोड़ा और नीचे आते हैं तो दुर्ग बस्तर को पायल कहा जा रहा है, राजनाथ गांव को करधन कहा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें छत्तीसगढ़ के राज्य गीत से संबंधित ध्यान में रखना है कि क्या क्या बताया मैंने, रायगढ़ को कुकुट कहा गया है, सरगुजा और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के क्या है, बांह है। थोड़ा हम और नीचे आ रहे हैं तो राजनाथ गांव को करधन कहा जा रहा है, दुर्ग और बस्तर को पायल कहा जा रहा है। ठीक है, और रायपुर क्या है, रायपुर कमर है और राजनाथ गांव उसका करधन है। तो इस प्रकार से ये जितने भी जिले हैं जिसे अलग अलग आभूषणों की संज्ञा दी गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि रायगढ़ जो है वो तो उत्तर में नहीं आता, सरगुजा और बलरामपुर ही उत्तर में आता, और हमने सोच लिया था कि नहीं इनमें से, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, तो रायगढ़ है करेक्ट आंसर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष सर्वाधिक किस संभाग में पाया जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। अब ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक बस्तर संभाग में पाया जाता है, और इसीलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। तो कभी कभी सवाल को घुमाकर भी पूछा जाता है, जैसे कि अगर आपको इस सवाल का आंसर जानना है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो पहला सवाल तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से ही पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, और दूसरे सवाल का जवाब तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली बात तो यहाँ पर नहीं आ गया है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिले क्या होने वाले हैं, ये जिले भू आवेष्टित जिले होने वाले हैं। ठीक, तो हमको ये पता करना है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिले हैं इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। तो देखिए यहाँ पर सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा ये भू आवेष्टित जिले तो हैं, तो क्या गौरेला पेण्ड्रा मरवाही भू आवेष्टित जिला है? तो नहीं, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छूती है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक, अगला, बालोद, बेमेतरा, कोरबा और बिलासपुर। बालोद भू आवेष्टित है, बेमेतरा भी है, कोरबा भी है और बिलासपुर भी है, तो इसे हम बॉक्स बना के रख देते हैं, नीचे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमको समझ में आ गया कि हाँ ये सभी के सभी भू आवेष्टित जिले हैं, तो हम आगे के ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, हमको देखना है, हमें सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। अगला ऑप्शन है जशपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा और दुर्ग। इसमें जशपुर ऐसा जिला है जो कि झारखंड और उड़ीसा दोनों राज्य की सीमाओं को छूता है। अब हम नीचे आते हैं, सूरजपुर, राजनांदगांव, बीजापुर और महासमुंद। तो यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि राजनांदगांव एक ऐसा जिला है जो कि महाराष्ट्र और एमपी दोनों राज्य की सीमाओं को छूता है। नीचे फिर से राजनांदगांव आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि बालोद, बेमेतरा, कोरबा और बिलासपुर ये ऐसे जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के सीमा को स्पर्श नहीं करते। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए यहां पर भी समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या हमने देखा था, बालोद, बालोद की स्थिति यहां पर है। ठीक, बालोद, बेमेतरा और कौन कौन से जिले थे, कोरबा और बिलासपुर, ये है कोरबा और ये है बिलासपुर। ये देखिए ये सभी के सभी भू आवेष्टित जिले हैं।
तो इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो कि भू आविष्ट जिले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर से देखते आ रहे हैं सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर, बालोद और नीचे दंतेवाड़ा, ये सभी के सभी भू आविष्ट जिले हैं। तो कितने जिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 जिले हैं जो कि भू आविष्ट जिले के अंतर्गत आते हैं। तो बचे अब कितने जिले? तो चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं तो बचे 18 जिले। ये 18 जिले जो हैं वो सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अन्य राज्य की सीमा को छूते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 18 हैं, और भू आविष्ट जिले कितने हैं, तो 10 हैं। ठीक, अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम मैप देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा है ना। इस सीमा से लगा हुआ कौन कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर MP, ऊपर UP, इधर ये क्या है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है और ये है तेलंगाना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 राज्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप समझिए कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है। तो हमें देखकर ही तो समझ में आ रहा है कि या तो मध्य प्रदेश का होगा या तो फिर महाराष्ट्र का होगा। तो हम अब यहाँ पर कंफ्यूज हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का एरिया लगभग 3.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि महाराष्ट्र का एरिया 3.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश पूरे देश का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य था। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ट जिले हैं? हमने देखा था ना कितने भू आविष्ट जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने थे? 10 भू आविष्ट जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत किस जिले का गठन नहीं किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। मध्य प्रांत का गठन 1861 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद फिर से इस मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया 1862 ईस्वी में और छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया। इस संभाग के अंतर्गत 3 जिलों का गठन किया गया था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसका मतलब ये है कि उस समय ये जो संबलपुर है ये मध्य प्रांत का हिस्सा था, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय उड़ीसा, मतलब कि वर्तमान उड़ीसा की बात चल रही है, मतलब कि उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है? जिलों का गठन नहीं किया गया था। इसे आप हमेशा नहीं को आपको हमेशा मार करना है, आपको नहीं हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग का। दुर्ग का गठन कब किया गया था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ और संबलपुर बंगाल प्रांत में चला गया तो उसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया था संबलपुर जिले के स्थान पर। अगला सवाल, राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में निम्न प्रशासनिक स्थिति थी। आपको प्रशासनिक स्थिति के बारे में बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है,
इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, जिले थे, तहसील थे और विकासखंड थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद है ना तो ऑप्शन मत देखिए, अच्छा, और ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहाँ पर हमको ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है, आपको कैसे सवालों को पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इन चार ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको जो याद है ना वो भी आप भूल जाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों पे आप साइड में लिख लीजिए कितने संभाग थे, कितने जिले थे, आपको वो पता है, ठीक है। तो आप पहले साइड में लिख लीजिए और उसके बाद उसको इन ऑप्शन से मैच कीजिए। पहले इसे पढ़ेंगे फिर उसके बाद याद करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप साइड में लिख लीजिए और उसके बाद मैच कीजिए। तो कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कितने जिले थे, 16 जिले थे। कितने तहसील थे, 96 तहसील थे और विकासखंड 146। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 संभाग, 16 जिले, 96 तहसील और 146 विकासखंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कभी कभी हमें कुछ जानकारी साइड में ही लिख लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। कभी कभी हम जब भी मैच द फॉलोइंग के सवाल सॉल्व करते हैं तो हमको पहले सारे ऑप्शंस को चेक करना है, सबको मैच करना है, सबको चेक करना है, उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप देखेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं तो कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखिए वो सवाल टफ नहीं होते हैं लेकिन वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी एक सवाल के अंदर ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आजकल आपको ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना चाहिए जिससे एक सवाल के माध्यम से आप बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, CGPSC में 50% वेटेज है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का और आपको यहाँ के सवाल तो बनने ही चाहिए। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि सिलेबस के अंतर्गत हर एक टॉपिक को मैं छू सकूँ और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उसे आपके समक्ष लाकर रख सकूँ और उसे हम मिलकर सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल CGPSC प्री में पूछे जा सकते हैं और पिछले वर्षों में ऐसे कौन से सवाल पूछे गए थे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।